फिरोजाबाद के थाना उत्तर में देर रात्रि जिला अस्पताल में अकेली छात्रा को देखकर अस्पताल कर्मी काफी बेचैन दिखे। तत्काल ही उन्होंने डायल 100 को सूचना दी। डायल 100 छात्रा को लेकर थाने आई और वहां से उसको परिजनों के सुपुर्द कर दिया। फिरोजाबाद के एक मोहल्ला में निवास कर रही एक छात्रा को घर वालों ने डांट दिया, जिससे वह घर छोड़कर जिला अस्पताल आ गई। वहां ड्यूटी पर तैनात नर्स प्रतिभा जैन ने छात्रा को देखा तो उन्हें कुछ शक हुआ और शक के आधार पर उन्होंने डायल 100 को सूचना दी। डायल 100 मौके पर पहुंची और छात्रा से बातचीत की तो पता चला कि छात्रा लाइन पार की रहने वाली है और परिजनों की डांट से दुखी होकर घर से अस्पताल चली आई है। छात्रा के पिता ने इस संबंध में क्या बताया, हम सुनवाते हैं। वहीं महिला हॉस्पिटल की इंचार्ज कमलेश वर्मा ने बताया कि छात्रा अकेली थी, इसलिए हमें कुछ शक हुआ और डायल 100 को हमने इसकी सूचना दी। डायल 100 प्रभारी होरीलाल ने बताया कि महिला अस्पताल से उनके पास फोन पहुंचा, तब वे अस्पताल पहुंचे और छात्रा को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। हैक्स न्यूज के लिए राजा यादव और मुकेश बघेल की रिपोर्ट। अस्पताल में एक लड़की संदिग्ध अवस्था में घूमती हुई पाई गई, हमने पुलिस बुलाकर उसको सुपुर्द कर दिया। क्या नाम था उस बच्ची का? नीरू नाम था। नीरू नाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिशंकर। ये बताइए, ये बच्ची आपकी, आपको पुलिस ने सुपुर्द की है, कैसा लग रहा है? जो मान लीजिए बच्ची हमें मिल गई, बस सुकून है भगवान को। अरे ये घर से कब निकली थी और क्यों निकली थी? जी तो मान लो अब कोई हमारा कोई चेंटबाजी भी तो नहीं हुई, चेंटबाजी हो जाती तो हम भी उसमें सबूर कर लेते। तो अब बच्ची आपको पुलिस ने सुपुर्द कर दी? हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको? अब जे सुकून है, अब जे घर पे पहुंच जाएंगे सुरक्षित, आराम से घर के नींद सोएंगे। कुछ कहना चाहेंगे पुलिस के लिए? पुलिस की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बच्ची मिली थी, क्या पूरा मामला है? ये हमें 100 नंबर से सूचना मिली थी महिला जिला अस्पताल से कि नीरू नाम की लड़की यहाँ संदिग्ध हालत में घूम रही है। तो हमने मौके पर जाके देखा तो उसके बैग में डॉक्यूमेंट्स थे, उनके आधार पर हमने उनके माता पिता को ढूंढा थाना लाइन पार में, तो उनको लाकर थाना उत्तर में उत्तर के द्वारा और परिजनों को सुपुर्द करवा दिया है। उनके माता पिता